हमारी क्रिकेट टीम ने ये जो सत्यानाश फेरी है ना, इस पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। सबसे पहले तो आप मेरी माजत कबूल कीजिए कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग बनाया था तो मैं सोच रहा था कि मैं आई कम बैक आफ्टर अबाउट अ वीक और सो, लेकिन मामला कुछ ऐसे थे रमज़ानों में, आपको पता है, फिर काम, फिर ऑब्वियसली बंदा बिजी हो जाता है, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट सम टाइम आउट। लेकिन अब ऑब्वियसली अब आई एम बैक टू नॉर्मल नाउ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है क्रिकेट। क्रिकेट में आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम इज़ नॉट डूइंग देयर बेस्ट, दे आर राइट वे बैक। आई एम नॉट टू श्योर दे गोना मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और नॉट, बट होपफुली लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट द लास्ट गेम व्हिच दे प्लेड वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। अगर इन्होंने ऐसे ही खेला, अगर उन्होंने ऐसे ही परफॉर्मेंस दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अगले कोई भी मैचेस जीत सकें। लेकिन एनीवे You never know. The cricket is called the game of uncertainty. अभी तो आपको पता है कि अभी इंडिया से हारने के बाद उनके जो हालात हैं, उनके जो जज्बात हैं, वो बहुत ज़्यादा लो हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका स्टेमिना लो है, बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन आई होप इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, होपफुली इन अबाउट मे बी कपल ऑफ डेज दे कैन गेट बैक टू नॉर्मल, और इंशाल्लाह दे विल गिव अ डेफिनेटली अ टफ टाइम टू यू नो सॉर्ट ऑफ इन कमिंग मैचेस। क्वार्टर फाइनल्स तक we can make it, but I'm not too sure. the chances are very low, chances are very slim. Lekin again, you know, finger crossed, hope for the best. Aur hamari duaen sari apni team ke saath hain, lekin obviously unko bhi to chahiye na kuch kare. I mean, the way they played with India is absolutely pathetic, absolutely ridiculous, absolutely unacceptable. The way, you know, sort of they conducted themselves is extremely unbelievable. Or I hope things been sorted out by now, or inshallah they will think about this, they will sit together, and the management and the coaches and the, you know, sort of all the players, they're going to sit together. Whatever they have done in this previous game, that was absolutely a shock for everyone. Even though hamara jo captain hai unko टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। इमरान खान इवन ही हैज ट्वीटेड अबाउट दिस लाइक एज सून यू विन द टॉस यू हैव टू बैट फर्स्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो आई डोंट नो व्हाट्स बीन रनिंग इन द माइंड ऑफ सरफराज, कि उसने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि उसने बॉलिंग की, और फिर हमारी टीम इतनी ऐसी है कि हम चेस नहीं कर सकते। हमने कभी कोई इतना बड़ा स्कोर, इससे कम स्कोर नहीं चेस कर सकते। ये तो दैट वाज अराउंड 340, दैट वाज एब्सोल्युटली यू नो सॉर्ट ऑफ अनबिलीवेबल दैट वी कैन चेस दैट नेक्स्ट जो मैचेस हैं, या नेक्स्ट जो भी आगे हमारे किसी भी टीम के साथ मैचेस आ रहे हैं, हमें काफ़ी मार्जिन के साथ जीतने पड़ेंगे ताकि हम जो क्वार्टर फाइनल्स का जो राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर सकें। तो लेकिन लेट्स सी, बहुत मुश्किल है, लेकिन देन अगेन दुनिया उम्मीद पे कायम है। सबसे पहले हमें यूनिटी की ज़रूरत है। यू नो आवर टीम इज़ नॉट यूनाइटेड, देर आर टू ग्रुप्स इन द टीम, के शुएब मलिक साहब ने अलग अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और यू नो सम गाइस आर विद द स्किपर, बट आई एम नॉट टू श्योर, लेट्स सी, मैनेजमेंट विल टेक एक्शन ऑन इट और थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन फिर वही बात कि कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क आर द की कंपोनेंट्स टू अचीव योर गोल्स। और हमारी टीम और हमारे सारे जितने लड़के हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, होपफुली दे विल थिंक अबाउट दिस, दे विल सिट टुगेदर, दे विल डू सम एक्स्ट्रा होमवर्क, एंड देन होपफुली दे विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर। उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो दे कैन अपसेट एनी टीम, लाइक दे हैव डन विद इंग्लैंड। दे हैव गिवन यू नो सॉर्ट ऑफ स्कोर, आई थिंक दैट 349 और समथिंग, दैट वाज अ वेरी ह्यूज स्कोर, बट ये नेवर नो, यू नो सॉर्ट ऑफ दे कैन कोलैप्स एट 105 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द प्रेयर्स गोज टू द पाकिस्तानी टीम, एंड इंशाल्लाह I'm very much optimistic, and we should stay optimistic that things will turn around and our team will be able to make you know sort of its comeback with full throttle, and hamari duaen hum apni team ke saath hain, inshallah we will make it to the next level. So enjoy your cricket, enjoy yourself, or make sure
Don't forget to subscribe my channel, press the bell icon for the latest videos, and inshallah I'll see you back very soon. So take care. Till then, bye.